अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोटो, कोई फ़ाइल अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फास्ट, बिना यूएसबी को यूज़ किए हुए, तो फास्ट तरीका आपको बताने लगा हूं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपने अगर अपने लैपटॉप से या पीसी से कोई फ़ोटो, कोई फ़ाइल अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर शेयर करनी है, या मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप पीसी के अंदर कोई फ़ोटो या फ़ाइल शेयर करनी है, तो वो मेथड आपको इजी बताने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है इन शेयर, ठीक है जी। इन शेयर लेके आप सर्च करेंगे और नीचे वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इसका, और आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, ऊपर आपको लिखा हुआ है कंप्यूटर पीसी, ठीक है जी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ना दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक हॉटस्पॉट और एक वाईफाई। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि वाईफाई के ऊपर क्लिक करें, आपका वाईफाई और जो पीसी या लैपटॉप हो वो सेम से आपका कनेक्ट होना चाहिए, फिर ही आपका काम होगा। उसके बाद ये आपको लिंक मिल रहा है, लिंक आपने कहाँ पे पेस्ट करना है पीसी के ऊपर, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यूज़ करना आप सीख जाएं अच्छे तरीके से, तो आपको काफ़ी जो है ना आपका टाइम जो है ना सेफ हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी काम कोई भी करना हो तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप के अंदर जो है ना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जो जैसे सर्च करते हैं ना, वहाँ पे हमने जो लिंक आपको मोबाइल के ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये देखें नीचे भी लिंक आ जाएगा, साथ लोगो भी आ जाएगा इन शेयर का। तो आपने इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इसका इंटरफेस जो है ना वो आ जाएगा। तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है ना, उस आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ना ये सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो ही इसके ऊपर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें से अब आपने लैपटॉप के अंदर कोई व्हाट्सअप वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह वो शेयर करनी वो कर सकते हैं, कोई फाइल वगैरह करनी है वो कर सकते हैं, कोई फ़ोटो करनी है वो कर सकते हैं, वीडियो करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो होती नहीं, लेकिन वीडियो जो है ना अंदर जाके वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो आप वीडियो को छोड़ें, अपनी फ़ाइल वगैरह और अपनी फ़ोटो वगैरह जो भी आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो वो सेंड करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो वो आप जो ना जैसे कि अभी मैं जो ना ये लैपटॉप की तस्वीर में इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये वन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो साथ लिखा हुआ सेंड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फ़ौरन से ये सेंड हो गई है। तो अभी ये देखें इधर हमारे लैपटॉप के ऊपर आ गया ऑप्शन। आपने जो भी तस्वीर वगैरह अपने मोबाइल फ़ोन से वो सेंड की होगी ना अपने लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगी। और उसके बाद साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें सेव का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसको अपने सेव का ऑप्शन आपको मिला था ना, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक किया तो आपके लैपटॉप के अंदर जो ना ये तस्वीर सेव हो जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने लैपटॉप से कोई तस्वीर वगैरह, कोई फाइल वगैरह, वीडियो वगैरह सेंड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो ही आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो ना ये जो एक थंबनेल है ना मैंने बना के रखा हो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख लीजिएगा ये फ़ौरन से जो ना मोबाइल फ़ोन के अंदर वो आ चुकी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ही ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो ये देखें उधर से मैंने अभी सेंड की अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। ऐसे आप फास्ट तरीके से जो ना फाइल वगैरह, वीडियो वगैरह, तस्वीर वगैरह वो सेंड कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो की MB ज़्यादा होती है, तस्वीर और फाइल वगैरह वो फ़ौरन से सेंड हो जाती है। तो इस तरह आप जो ना इन शेयर का
यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।